नमस्कार दोस्तों, फरीज ओबलेट एजुकेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन अपडेट पाने के लिए फरीज ओबलेट की इस वीडियो को लाइक और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको एजुकेशन अपडेट बड़ी खबरें सबसे पहले मिल पाए। जी हां, आपको बता देंगे सीबीएसई एडमिट कार्ड, इन छात्रों के एडमिट कार्ड नहीं होंगे जारी। जी हां, आपको बता देंगे सीबीएसई मैट्रिक और प्लस टू बोर्ड परीक्षा के पहले सभी परीक्षार्थियों की जांच होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि नौवीं और ग्यारहवीं में किस स्कूल में पढ़ते थे। इसकी जांच के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों से दसवीं बारहवीं परीक्षा फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थियों की सूची यानी एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट मांगी है। इससे बोर्ड उन परीक्षार्थियों को पकड़ेगा जिसने फ्लाइंग रूम में किसी दूसरे स्कूल से बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा है। सीबीएसई बोर्ड ने इसके लिए स्कूलों को 30 सितंबर तक का समय दिया है। सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक एलओसी की सूची बोर्ड को भेजनी है और 30 सितंबर तक सूची नहीं भेजने वाले स्कूलों को विलंब शुल्क लगेगा। इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी स्कूलों को दी है। स्कूलों को एलओसी क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना है। बोर्ड सूत्रों की माने तो दसवीं और बारहवीं परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों को एलओसी का मिलान नौवीं व ग्यारहवीं की नामकरण सूची से किया जाएगा। जिन छात्रों की नामकरण सूची और एलओसी का मिलान नहीं हो पाएगा, वे छात्र बोर्ड परीक्षा में महरूम हो जाएंगे। इसके अलावा उन स्कूलों को नोटिस दिया जाएगा जो बाहर के छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे। 2019 में 20,000 फ्लाइंग छात्र पकड़े गए थे। बोर्ड की माने तो 2019 में सैकड़ों छात्रों ने फ्लाइंग रूप से दूसरे स्कूलों से परीक्षा फॉर्म भरे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जुड़े दो बार हमारी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं फरीजाबाद एजुकेशन न्यूज। एजुकेशन वीडियो पाने के लिए फरीजाबाद की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।